और अब चुनाव हो रहे हैं तो अभी से हम नारा लगा रहे हैं 400 पार और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी। तो मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं समझ सकता हूं कि इस पार्टी के अंदर बैठकर 5 साल गुजार लूंगा, 5 साल मेरे जीवन के गए। और इस बांसवाड़ा जिला के अंदर पावर प्लांट हो, चाहे वो अपर हाई लेवल कैनाल हो, पीपलखुट की कैनाल हो 2500 करोड़ की, माही के 13 अरब रुपये के काम हो, 1000 करोड़ के एनीकट हो, ये तमाम कामों को मैं समय रहते हुए पूरा करना चाहता हूँ। रेल लाइन इस बांसवाड़ा जिले में आ जाए ताकि इस उद्योग धंधों को और बढ़ावा मिले, बेरोजगारी हमारी कम हो जाए इस काम के अंदर लगे हुए। तो मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी जी की जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, इन लोक कल्याणकारी योजनाओं को देखते हुए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करो और देश जिस गति के साथ में आगे बढ़ रहा है उस गति को और आगे बढ़ाओ। मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि वागड़ का विकास हो, तरक्की हो, उन्नति हो। 13 से 14 दिन में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई, जो उम्मीद नहीं थी वो उम्मीद हो गई। इस पे भी कुछ लोग आरोप लगा रहे कि वो तो ईडी की जांच से बचने के लिए मालवीय जिन ज्वाइन करी। अभी अभी मैंने प्रेस वार्ता में कहा है कि 1 रुपया का कोई करप्शन निकल जाए तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ। मेरे मन में ऐसी कोई भावना ही नहीं रहती, मैं सोच भी नहीं सकता। और ईडी क्यों आएगी मेरे घर पर? आएगी तो मिर्ची मसाले के डिब्बे मिलेंगे, वहां कुछ नहीं मिलना। आखिर ऊपर जो अमित शाह हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता आपसे काफी उम्मीद रख रहे हैं, ये 2024 लोकसभा चुनाव में आपको टिकट पहली बार दे दिया पार्टी ज्वाइन करते ही, क्या उसका परिणाम देखने मिलेगा? परिणाम तो जनता में उत्साह है। हमारे जो नरेंद्र भाई मोदी जी, अमित शाह साहब, नड्डा साहब, हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी, उनकी जो कार्य योजना है, उनकी गारंटी है, इनका विश्वास है, वो जनता के गले गले तक भरा हुआ है। बांसवाड़ा विधायक और पूर्व मंत्री 15 करोड़ का घोटाले का आरोप लगा रहे हैं आप पे। 14,000 करोड़ ये बिल्कुल निराधार है। उतना पैसा कभी जिला परिषद में आता ही नहीं, और अगर उसको 14,000 या 15,000 करोड़ का घोटाला हुआ है तो मुझे अर्जुन जी पहले तो डेवलपमेंट विभाग से कौन कौन सी तारीख को किस किस मद में कितना कितना रुपया आया वो हिसाब बता दें तो पता पड़ जाएगा। और काम तो पंचायतें करवाती, जिला परिषद कभी काम नहीं कराता, पंचायतें कराती और पंचायतों के माध्यम से विकास होता। कोई गड़बड़ी होती भी हो तो निचले स्तर पे हो सकती, जिला परिषद में 1 रुपये की गड़बड़ी नहीं हो सकती। भाजपा सरकार उनकी जांच कराएगी, बिल्कुल पक्का होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, पक्की होनी चाहिए।